चलिए अभी कुछ ये बचे हुए मेथड है ये भी देख लेते हैं। बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ऐसा भी करके आप लोग इथर बना सकते हो। कैसे? एल्काइल हैलाइड लो आर एक्स और उसकी रिएक्शन कराओ सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ, Ag2O एंड इसको हीट कर दो तो क्या होगा, सिल्वर मेटल हैलोजन नॉन मेटल इनके साथ साफ, ये क्या बन गया, ये बन गया 2AgX एंड ये क्या बन गया ROR, क्या बन गया ROR। समझ में आता है? ये कुछ एग्जांपल दो, चलिए एग्जांपल देता हूं। जैसे कि R एल्काइल होता है C2H5 Br, यहां पे भी C2H5 Br, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, Ag2O, तो ये बाहर निकलेंगे, हीट करना है इसको एंड ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस में 2AgBr, क्लियर है? ये आपका बन गया इथर। अगली बात करें, अल्कोहल को ट्रीट करना है विद डाई एजो मीथेन। अल्कोहल लीजिए कोई भी, लाइक आपने ऐसे लिया CH3 CH2OH और उसकी रिएक्शन आप करोगे डाई एजो मीथेन CH2N2 एंड ये रिएक्शन करानी है आपने फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में, मीन्स HBF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे आप तो क्या होगा भाई, ये इनके साथ जुड़ जाएगा, बस जोड़ दो CH3 CH2 O CH3 N प्लस में N2 बन गया आपका इथर। बस यही कुछ तरीके हैं, एक तरीका रह गया वो विद मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे विलियमसन, और हर तरह के इथर आप लोग बना सकते हो विलियमसन सिंथेसिस से और बहुत बड़े ट्रिक से देखेंगे। देखिए आपने करना क्या है, इसमें आप लोग RONA, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड एंड इसकी रिएक्शन आप कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या होगा, ये NA इस X के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया, ये बन गया NaX एंड ये बन गया ROR। ये रिएक्शन फेमस क्यों है, ये रिएक्शन फेमस क्यों है, फेमस इसीलिए है क्योंकि आप इसे अनसिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हो, सिमेट्रिकल तो बना सकते हो, सिमेट्रिकल क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप है वो सेम लगे हो, बट अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे आर डैश बोल रहा हूँ, आर डैश मतलब अलग एल्काइल ग्रुप लिया है वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है सर, अब हमें ट्रिक भी बता दो, ठीक सुन लो, विलियम का है सन और वो रो रहा है किसके आगे, उसकी गर्लफ्रेंड है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हैलोजन कह सकते हो, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं विलियम के सन को, विलियम का जो सन है, विलियम का जो सन है उसे हम बोल रहे हैं भाई रोना हैलोल्केन की याद में, रोना हैलोल्केन की याद में, और वो फिर भी रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मतलब यहां पे क्या बन गया इथर बन गया, होती है बात क्लियर। अब कुछ की पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, यहां पे SN2 का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, SN2 तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, अनहिंडर्ड मतलब सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए या फिर आप लोग एरोमेटिक नहीं लोगे, क्योंकि SN2 मतलब क्या होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अगर आप एरोमेटिक ग्रुप लोगे बेंजीन लोगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो वो पॉसिबल नहीं है, आपने याद रखना है कि बेंजीन ना लगाओ एल्काइल हैलाइड के साथ, बाकी चाहे जो मर्जी जो भी मर्जी आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे कह रहा हूं, देखिए आर की जगह आप ले लो C2H5 ले लो C2H5ON और यहां पे ले लो CH3Br। मैकेनिज्म में क्या है, सिंपल है, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, या कह लो कि ये यहां से इसको अप्रोच करेगा, SN2 है ना, SN2 में क्या होता है दोनों एक स्टेप में होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो है एल्कोक्साइड आयन इसको अप्रोच करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा CH3O C2H5 एंड प्लस में क्या बनेगा आपके पास NaBr बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपका हैलोल्केन है ये आपने प्राइमरी ही लेना है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं लोगे बात नहीं बनेगी,
ठीक है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं आप। लाइक यहाँ पे आपने लिया CH3 ONA, यहाँ पे जो मर्जी, यहाँ पे ले लिया C3H7Br, इसको अप्रोच करेगा, ये सारे का सारा पोर्शन इसको हटाएगा यहां से, ये क्या बन जाएगा C3H7O CH3 एंड प्लस में क्या बन जाएगा NaBr। अगर आप ऐसे करो लाइक बेंजीन ONA सोडियम एल्कोक्साइड, इसकी रिएक्शन करो आप C2H5Br के साथ या Cl के साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सारे का सारा ग्रुप इधर जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बनेगा बेंजीन O, और यहां पे जुड़ जाएगा C2H5 किस Na को हटाएंगे, यहां पे जुड़ जाएगा C2H5 एंड प्लस में क्या बनेगा NaBr। अच्छा अगर आप कुछ सोचो कि CH3ONA ये लिया एंड इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमो बेंजीन के साथ कि Br इसको डिस्प्लेस कर दे, ऐसा नो रिएक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं आपको अभी बता कहता हूं कि जो एल्काइल हैलाइड होगा वो अनहिंडर्ड होना चाहिए। अनहिंडर्ड का मतलब है कि उसकी प्रोटेक्शन में बड़े बड़े ग्रुप ना लगे हो या फिर एरोमेटिक ग्रुप ना लगे हो। देखो ये जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल नहीं एक्चुअल में एराइल हैलाइड हो गया, ये हो सकता है एराइल, ये कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी आपका दिल करे। एल्कोक्साइड आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एरोमेटिक एलिफेटिक जो मर्जी लो, बट ये जो आपने लेना है ना ये एलिफेटिक ही लेना है, मतलब और प्राइमरी लेना है, क्या करना आपने प्राइमरी लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। होता है क्लियर? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ गया चलना, और मैकेनिज्म सिंपल है, मैं बता कर रहा हूं। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, उस नेगेटिव को हटाएगा। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन भी देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, एक दो देखेंगे। चलिए इसको देखो कि क्या है, मान लो ये है ONA CH3CH2I, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये इसका ये जो सारा नेगेटिव पोर्शन है इसको अप्रोच करेगा, इसके नेगेटिव को हटाएगा, ये बन जाएगा भैया साइड में NaI एंड प्लस में बेंजीन O CH2 CH3, मान लो ये है बेंजीन ONA CH3 CH double bond CH2 CH2 Br, इसको बताइए क्या होगा, क्या इसको हटा दो यहां से, यहां पे कर दो CH2, तो अप्रोच कहां पे करेगा, ये जो इसका नेगेटिव पोर्शन है ये यहां पे अप्रोच करेगा, और ये कुछ इस तरह से बेंजीन O CH2 CH2 double bond CH2, आई थिंक ये CH2 नहीं होना चाहिए, CH होगा, ये हो गया एंड प्लस में क्या बन गया NaBr। रिपीट कर रहा हूं, ये एल्कोक्साइड आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपने प्राइमरी ही लेना है, बात नहीं बनेगी अदरवाइज। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आपके पास पेपर में, क्वेश्चन आ गया समझ के चलो, कन्वर्ट इथॉक्सी बेंजीन, कन्वर्ट इथॉक्सी बेंजीन या प्रिपेयर इथॉक्सी बेंजीन बाय विलियमसन सिंथेसिस, या खुद ही समझ जाओ इथॉक्सी बेंजीन है, इथॉक्सी बेंजीन है, मतलब एक तरफ C2H5 है ऑक्सीजन और एक तरफ है बेंजीन, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस का ही यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे विलियमसन सिंथेसिस का, अब देखो विलियमसन सिंथेसिस में आपके पास एक सोडियम एल्कोक्साइड होता है और एक हैलोजन होता है, हैलोजन के साथ तो बेंजीन आप जोड़ नहीं सकते, तो आप कुछ ऐसे करोगे बेंजीन ONA प्लस में C2H5Cl, ये इसका जो नेगेटिव है पूरे पूरा अप्रोच करेगा इसको, ये क्या बनेगा बेंजीन O C2H5 एंड प्लस में क्या बन गया NaCl, ठीक है ना, बड़ी आसानी से चले जाते हैं। हैलोजन्स अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, और अच्छे में भी कौन सबसे अच्छा है इनमें I, जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे ही बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक आगे आपके पास प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है, ये तो सिमेट्रिकल हो गया,
ये तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो वैसे, प्रोपोक्सी प्रोपेन, प्रो ऑक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा, C3H7O C3H7, ये है प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो क्या करोगे, एक तरफ लो C3H7ON और एक तरफ ले लो C3H7Br, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल गया बाहर, NaBr, और यहां पे क्या बन गया C3H7O C3H7। बस यही है विलियमसन सिंथेसिस। और इस तरह से आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसा भी बना सकते हो। एल्काइल हैलाइड आपने लेस स्टिरिक हिंडेंस होनी चाहिए उसमें, जो स्ट्रक्चर है मतलब प्राइमरी हो, ज्यादा बेस्ट वही है, ज्यादा क्या बेस्ट भी वो है। ट्रिक क्या है, विलियमिकेशन को हम बोल रहे हैं रो ना हैलोल्किन की आर्मी, बट वो फिर भी रो रहा है मतलब इतना बनेगा रो ना RONA हैलोल्किन की याद में, वो फिर भी रो रहा है। कौन रो रहा है, विलियम का सर। ये है इसकी सिंपल सी ट्रिक पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स, एल्कोहल, फिनोल एंड इथर हमारा चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ इथर्स, तो अभी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 5 फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस करनी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात करें तो फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है। तो भैया जो लोअर मेंबर हैं, जो इनके लोअर मेंबर्स हैं इथर फैमिली के, लाइक CH3O CH3, इसे कह सकते हो आप डाई मिथाइल इथर, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल इथाइल इथर या इथाइल मिथाइल इथर C2H5O CH3। ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना इस फैमिली के, ये होते हैं गैस। क्या होते हैं, गैस। हायर मेंबर्स की बात करें, जिसके हायर मेंबर्स होते हैं आर लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। एंड इनकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट समझते हो ना, जो अच्छी लगती है, सुकून देने वाली स्मेल होती है इनकी, होता है क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी जब चेक की गई तो इनकी डेंसिटी वॉटर से कम होती है, तो आप लोग लिख सकते हैं ऑल इथर्स आर लाइटर देन वॉटर, सभी के सभी पानी से हल्के हैं। अगली बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की, अब बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप पढ़ चुके हैं, हैलोकेन हैलोरीन एल्कोहल फिनोल, इन सब में हमने एक बात देखी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है वो होता है अगर किसी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इनमें वो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर्स इज मच लोअर देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। अगर आपसे कभी भी ऐसा हो कि मान लो आपने दे दिया CH3O CH3 एंड CH3CH2OH, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये इथर है, ये अल्कोहल है, और ये दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है, और जब इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि इथर्स के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इथर्स हैव नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथर्स में कोई भी
इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर हाइड्रोकार्बन देखो सबसे कम माना जाता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, जैसे अल्केन्स होते हैं तो इनका अल्केन्स के लगभग ही होता है, हल्का फुल्का क्या पता उनसे भी कम ही हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सॉल्युबिलिटी की, ये पानी में घुलेंगे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, आपस में तो नहीं बना सकते। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है यस। क्या लिखोगे, इथर्स आर सोल्यूबल इन वॉटर, पानी में घुलते हैं एंड उतने घुलते हैं जितने अल्कोहल घुल सकते हैं, जिस जितने अल्कोहल घुल सकते हैं उतने ही इथर्स वेक्स घुल सकते हैं। ठीक है, एंड देयर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्काइल चेन, जितनी बड़ी अल्काइल चेन होती जाएगी, क्योंकि अल्काइल चेन जो होती है कार्बन की जो चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देती, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। आंसर क्या है कि इथर सोल्यूबल होते हैं बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, देखिए क्या है, आर ओ आर एंड वॉटर क्या है, एच ओ एच, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। बाकी इनमें किसी और तरह की भी बना सकते हो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और ये सोल्यूबल भी होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डायपोल मोमेंट वाला। देखो डायपोल मोमेंट अभी आपने याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखो कि इनकी डायपोल मोमेंट होती है या नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख के आए, पहले पढ़ाया मैंने, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इथर्स का कुछ ऐसे होगा, बेंट और वी शेप एंगुलर इस तरह से। ठीक है, ये जो अल्काइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, यहां पे भी अल्काइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो रिजल्टेंट डायपोल होगा, तो इथर्स की डायपोल मोमेंट होती है, मतलब जीरो नहीं होती। ये सिर्फ याद रखना है, मेन जो पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट और इनकी सोल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, सोल्युबिलिटी इनकी होती है, अच्छी होती है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एंड जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी कम होगी, और ये हर जगह कम होती है, चाहे अल्कोहल, अल्कोहल सबसे अच्छे घुलते हैं पानी के अंदर, उनकी भी सोल्युबिलिटी घट जाती है जब उनकी कार्बन चेन बढ़ती है। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी से आज क्या इसकी क्या, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स के बारे में। आपके पास कोई इथर है, पहली बात तो याद रखना कि यार ये जो इथर्स होते हैं ना ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये इथर है, आपने इसकी रिएक्शन कर दी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, फोकस करना, और इसको हीट कर दिया आप इसको, और किसी भी तरफ से क्लीव कर दो, किसी तरफ से बॉन्ड तोड़ दो आप, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका आर ओ एंड एक आपका बनेगा आर ओ इसके साथ एच एंड यहां पे आर एक्स। मतलब जब भी आप एक इथर को ट्रीट करोगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एसिड के साथ, तो एक तो भैया आपका एल्कोहल बनेगा और एक आपका हैलोअल्केन बनेगा। आपकी बात समझ में नहीं आती है, क्लियर। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया कभी, आर ओ आर इसकी रिएक्शन करवा दी एच एक्स के साथ और ये एक्सेस में ले लिया, मैकेनिज्म कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, एक्सेस में ले लिया, तो क्या होगा भैया बताओ क्या होने वाला है, फिर आपका सारे का सारा क्या बनेगा, आर एक्स ही बनेगा। एग्जाम्पल करें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास है सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी एच एक्स के साथ या एच आई के साथ, ठीक है, अब यहां से इसको क्लीव करो, यहां से इसको तोड़ दो, यहां से इसको तोड़ दो, तो क्या होगा, एक के साथ सी एस थ्री ओ एच एल्कोहल बना दो, एक के साथ सी एस थ्री आई बना दो, हीट भी करना है, कुछ और भी जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हो इसके साथ, जितना भी जो पंगे लेने वो लो, सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव प्लस एच आई, हीट किया, इसको यहां से क्लीव कर दो, इसको यहां से क्लीव कर दो, तो क्या होगा सी टू एच फाइव
OH O H और ये प्लस में क्या बनेगा C2H5I आयोडो इथेन और ये क्या है इथेनॉल है। अब इन केस आप लोग इसको एक्सेस में ले लेते हो C2H5O C2H5 एंड इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HI के साथ करवाई तो क्या होगा भाई बताओ यहां पे वर्ड लिख रहा हूं मैं एक्सेस तो क्या होगा देखो पहले तो यही बनेगा ये फिर ये दोबारा से HI के साथ रिएक्ट करेगा एंड जो ओवरऑल जो आपका टोटल प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बन जाएगा C2H5I मतलब ये दो मॉलिक्यूल इसके बाकी है। अब करें ये कैसे होगा करें बात को चलिए इसका देखते हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए आपके पास है ये है मान CH3 O CH3 यहां पे आपने इसको ट्रीट किया विद HI के साथ तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा जब ये देखिए एक एसिड है एसिड होता है जो प्रोटॉन देता है ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जुड़ जाएगा तो ये आएगा इसके पास ये लोन पे इसके पास आएंगे ये कुछ इस तरह से होगा CH3 O यहां पे H यहां पे CH3 एंड यहां पे बच गया ये I-नेगेटिव ये I-नेगेटिव अभी भी यहीं पर है। फोकस करना कि जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हाइड्रोजन को जरूरी नहीं है मैकेनिज्म बस ज्ञान के लिए बता रहा हूं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो पॉसिबल नहीं है बताइए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कहां होता है ऑक्सीजन हेल्प करने तो जाता है प्रोटॉन की बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए हो गया है अब खत्म भी करना है तो ये किसको खत्म करना चाहेगा किससे हटना चाहेगा यहां से तो यहां पे एंट्री होगी किसकी इन भाई साहब की इस बॉन्ड को खत्म करेगा यहां से एंड ये CH3O ये बॉन्ड टूटेगा ये बन गया CH3OH एंड प्लस में ये आपका बन जाएगा CH3I। क्लियर हो गई है बात या नहीं क्लियर हो गई है देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ करता बट आ गया है तो देखो हाइड्रोजन से तो बॉन्ड नहीं तोड़ेगा कोई हाइड्रोजन की तो अभी वो हेल्प ही कर रहा है तो इसको बॉन्ड तोड़ना है कार्बन से। अब कार्बन भी बॉन्ड क्यों खत्म करेगा तो इसको I-नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है इसको अप्रोच करेगा कि भाई तू छोड़ मैं हूं तेरे साथ तो फिर ये इसको निकाल देगा इसको उड़ाएगा इसके साथ जुड़ेगा CH3OH एंड ये बन गया CH3I। क्लियर है ये हम बनाते आ रहे हैं इनकेस आपके पास क्या है CH3OH बन गया और HI आपके पास एक्सेस में है तो HI और ज्यादा रिएक्शन कर सकता है तो सेम वही बात यहां पे होगी क्या होगी ये इसकी हेल्प करेगा कुछ इस तरह से CH3O H और इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई जब ये हाइड्रोजन की हेल्प करेगा ये एक एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड एक एसिड है जब ये इसकी हेल्प करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यही बात ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा हाइड्रोजन से खत्म करेगा क्या हाइड्रोजन को से बॉन्ड ब्रेक करेगा क्या वो तो पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है भाई क्योंकि हाइड्रोजन को तो अभी हेल्प कर रहा है वो तो किससे ये जो यहां पे ये जो एच पॉजिटिव बनेगा आई नेगेटिव भी तो बनेगा। देखिए जब ये यहां से बॉन्ड खत्म करने लगेगा तो ऑक्सीजन इसको खींचेगा अपने पास जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा ये इसकी अप्रोच करेगा तो देखिए क्या बन गया CH3I एंड प्लस में H2O समझ पा रहे हो एक CH3I का मॉलिक्यूल ये बन गया एक CH3I का मॉलिक्यूल ये बन गया। अगर आपने HI का हाइड्रोजन आयोडाइड का अमाउंट लिया है लिमिटेड तो आपका अल्कोहल बनेगा आयोडो अल्केन बनेगा और अगर आपने एक्सेस में लिया है तो आपके दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके आयोडो अल्केन्स के। क्लियर होता है चलिए बहुत बढ़िया अभी देखो आगे बात ये था इसका सिंपल सा मैकेनिज्म अभी तो बहुत मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा है कितने मैकेनिज्म कर चुके हैं खुद से भी आने लग गया होगा आपको मैकेनिज्म में करना क्या है। इन केस आपके पास कुछ ऐसा है कि अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल समझ रहे हो देखिए वो जो अभी हमने दो तीन एग्जांपल किए वो थे सिमेट्रिकल के अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है देन आप लोग क्या करने वाले हो इसमें तो सिंपल समझना आपने कि होगा क्या इस बॉन्ड को क्लीव कर दोगे आप यहां से
इसकी रिएक्शन आपने एच आई के साथ करवाई, हीट किया, तो जो आइडोल केन बनेगा ना वो बनेगा लोअर वाले के साथ, और हायर वाले के साथ अल्कोहल बनेगा CH3 CH2 OH, कुछ भी हो जाए वो। जैसे कि आपके पास ये है बेंजीन OH, एनिसोल है, क्या आपके पास एनिसोल, एनिसोल है, एनिसोल OH नहीं होता, वो तो फिनोल हो जाता है। ये बेंजीन के ऊपर OCH3 जब लगता है ये है एनिसोल। इसकी रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ, एच आई के साथ, तो कर दो ना, किसी ने रोक गया, एच आई के साथ कर दी, क्या होगा? मैंने आपको बोला कि यहां से इस बोन को क्लिक करोगे, CH3 के साथ जुड़ेगा आई जो छोटे वाला पोर्शन है, और प्लस में यहां पे बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, OH फिनोल। लो अगर कभी एनिसोल से फिनोल बनाना थे तो बना भी सकते, फोकस करना है रिएक्शन पे। तो ये तो हुई पहले वाली जिसमें आप एच आई के साथ रिएक्शन करोगे, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे और बोन को क्लीव करके दिखाओगे, कार्बन ऑक्सीजन का बोन तोड़ोगे। अब करते हैं जो इनकी दूसरी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोकस करना बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो प्रेफर करते हैं, बेंजीन के जो कंपाउंड्स प्रेफर करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं। तो सर इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो मेरा आंसर है वो ऑर्थन पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। सर आप ये बात कैसे कह रहे हो, मैं ये बात कह रहा हूं रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस जो होता है इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है, लाइक समझिए मेरी बात को, ये है आपके पास इथर है OR, ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ना बेंजीन की तरफ चलते हैं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये बेंजीन की तरफ चल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है पॉजिटिव रेजोनेंस। रेजोनेंस का सिंपल होता है, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बॉन्ड और बॉन्ड से बनते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत बार देख चुके हैं रेजोनेंस भी। तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहां पर बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड ज्यादा होंगे तो अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड ओ आर, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहां पे, तो अभी ये नेगेटिव आगे चलेंगे, सिंगल बॉन्ड को डबल बनाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की सोचेंगे, तो इससे अगला बॉन्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, बता चुका हूं बहुत बार में, ठीक है, पता है ना। देखो अगर ये इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बॉन्ड डबल बनेगा, इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे, को जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो अगले वाले बॉन्ड को आगे भेजेगा, देखिए कैसे, कुछ इस तरह से, ये आया इधर, ये इधर, कुछ ऐसे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं, इसी वजह से यहां पे पॉजिटिव रेजोनेंस है, तो ये नेगेटिव आ गया, अब इसको आगे भेजोगे आप तो यहां पे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड की वजह से कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे तो अगले बॉन्ड को आगे भेजेगा, कैसे देखिए, कुछ इस तरह से, फोकस करना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे ये बॉन्ड आगे चले गए, इलेक्ट्रॉन बन गए, ये ओ आर, ठीक है, फिर ये इसको आगे भेजेगा और इस बॉन्ड को ऐसे आगे, क्या हो गया, ये बॉन्ड दोबारा से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुई है। अब फोकस करो कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड से लव करते हैं, खुद में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लवर, वो अटैक कहां करेंगे, आप ये देखो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रॉन जो रिच साइड है वो कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है एंड ये वाली है, तो अटैक कहां पे होगा, इन्हीं पे होगा। तो भी देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा देख लेना रेजोनेंस, अभी करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीन होती हैं फेमस, ब्रोमिनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड नाइट्रेशन। थोड़ा सा अलग है इसका चक्कर, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, तो कुछ स्पेशल आइडेंटिटी आपने यूज करनी है इसमें, ठीक है। चलो देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूं, आपने ब्रोमिनेशन करनी है एनिसोल की, एनिसोल क्या होता है, जो बेंजीन के ऊपर ये होता है ओ सी एस थ्री,
एक्टिव साइड कौन कौन से, ऑर्थो एंड पैरासाइट एक्टिव है। ठीक है, आपने इसकी की ब्रोमिनेशन, जो हम अब तक करते आ रहे थे वो क्या होता था, FeBr3 ऐसे होता था, बट अभी क्या लोगे आप यहाँ पे CH3COOH। अटैक कहां पे होगा बताओ तो, OCH3 यहां से, ये जो बी आर अटैक करेगा वो ऑर्थो पे अटैक करेगा एंड कहां पे अटैक करेगा भैया, पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट पता ही होगा, पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्लियर, प्लस में एच बैल्यू बनेगा, ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, होता है क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, एक तो है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मैंने आपको बोला कि ये कम रिएक्टिव होता है, यानी तो बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ओ CH3 एल्काइलेशन में हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते थे, CH3Cl के साथ, है ना, एल्काइल हैलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विद CH2 कार्बन डाइसल्फाइड भी लेना। अटैक कौन करता था यहां से, जो इलेक्ट्रोफाइल है, Cl तो नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन लवर यही है, तो करवा दो अटैक, कहां कहां पे अटैक होगा, ओ CH3 ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे, ओ CH3 ये है पैरा पोजिशन, मेजर प्रोडक्ट यही होने वाला है। एक होती है एसाइलेशन, एसाइलेशन की बात करें तो देखिए एनिसोल में कहां पे क्या कुछ होगा, ओ CH3 रिएक्शन कराओगे विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विद कार्बन डाइसल्फाइड, क्या लेना है कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, कुछ अलग से एजेंट यूज करने हैं और वो अपने याद रखने कौन कौन से यूज करोगे, तो अटैक करवाओ इससे, करवा दिया, कहां पे जुड़ेगा, ओ CH3 ये और यहां पे ये जुड़ेगा ऑर्थो पे, एंड मैं उम्मीद करके यही कर रहा हूं कि आप लोग देख के आ रहे हैं पिछली वीडियो। ठीक है, दो यूनिट, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, अभी तक समझ में आ गया होगा सारा इनमें से क्या जुड़ता है, सबको सीरियल वाइज देखो तब ज्यादा मजा आएगा। अभी लास्ट रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन, जगह यहीं पे बना लेते हैं, यहां पे कर देते हैं इसकी नाइट्रेशन, आपके पास है OH नहीं है, OCH3 यानी सोल, इसकी नाइट्रेशन करनी है HNO3, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है वैसे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, HNO3 किसमें ब्रेक होता है, OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, अटैक कौन करेगा, NO2 पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा बताओ तो, वो अटैक करेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे, कहां पे पैरा पे, क्लियर होता है, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे एंड ये जो पैरा वाला होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर।